सा हल्का सा रिवीजन मारते हैं और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आज हम कल हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो यहाँ बोला कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री है ना भाई, ट्रिग्नोमेट्री हम स्टडी करते हैं, किसका स्टडी करते हैं, ट्रायंगल के अंदर एंगल और साइड में एक रिलेशन बताता है। कौन बताता है भैया? ट्रिग्नोमेट्री बताता है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक बताता चलूँ कि एक ट्रायंगल है, ये साइड है, ये साइड और ये एंगल में रिलेशन बताता है। कौन बताता है भैया? ट्रिग्नोमेट्री। वही चीज़ हम जो कौन सा रिलेशन बताता है, कैसा क्या क्या रिलेशन है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको हम हटाते हैं और आगे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने बताया था कि जो ट्रायंगल लेना था आपको, हर कोई सा ट्रायंगल नहीं लेना, क्योंकि ट्रायंगल में हमारे बहुत सारे टाइप है। एसोसिएटेड ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, मतलब क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, स्केलर ट्रायंगल है। तो ये सब ट्रायंगल आपको नहीं लेना, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री एक ही ट्रायंगल पर काम करता है। वो कौन सा ट्रायंगल है बताइए? बस एक को मालूम, दो को मालूम है, कौन सा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। तो आपको राइट ट्रायंगल पर ही काम करना है। राइट ट्रायंगल कैसा होता है? राइट ट्रायंगल किसे बोलते हैं? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोण कितने का हो? 90 का, मतलब एक एंगल कितने का बना रहा हो? 90 का। तो वैसा ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? राइट ट्रायंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, डियर फ्रेंड बताता चलूँ आपको। हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल में कहाँ होता है? जो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल जो बड़ा वाला साइड होता है बाबू, इसको हाइपोटेन्यूज बोलता है। हाइपोटेन्यूज आप क्या चीज़ से डिनोट करोगे? एच से। किससे करोगे? एच से। किससे करोगे? एच से करोगे, वेरी गुड। और जो बेस है ना, बेस किससे डिनोट करोगे? बी से। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या होगा? पी से। तो आपका ऐसा कब होगा? देखो, हाइपोटेन्यूज हमेशा ट्रायंगल का बड़ा वाला होगा, ट्रायंगल का बड़ा वाला साइड ही हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। बट पी और बी डिपेंड होता है, किस पर डिपेंड होता है बताइए जल्दी से? एंगल पर। तो यहाँ एंगल बन रहा होगा ना, तो पी कहाँ होगा? इसके सामने में होगा। कहाँ होगा? सामने में होगा। अब यहाँ पर देखते, देखो ये वाला ट्रायंगल में देखते हैं, तो हमारा बड़ा वाला साइड हमारा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज नहीं बोला जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जाओ। हाइपोटेन्यूज आपको बोला नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप हाइपोटेन्यूज सिर्फ एच बोल दीजिए। तो ये वाला साइड हमारा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज मतलब एच बोल दो। और यहाँ पर एंगल, अभी तो यहाँ एंगल, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंगल बनना होगा, तो पी कहाँ चला जाएगा बाबू? यहाँ। तो पी यहाँ हो गया तो बेस कहाँ भाग जाएगा? यहाँ। तो जब आपका एंगल यहाँ होगा तो पी यहाँ जाता है, बेस यहाँ जाता है। जब एंगल यहाँ बनना होगा तो पी कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा और बेस यहाँ चला जाएगा। ये चीज़ हम बार बार पढ़ेंगे। ये एच बी पी का होता है, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस होता है, बी का मतलब बेस होता है और पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है। ये चीज़ हमारा राइट ट्रायंगल एक फॉर्मूला होता है, राइट ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा भैया? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कब काम आएगा बताता हूँ। जब आपके पास दो ट्रायंगल का दो साइड दिया होगा, तीसरा साइड निकालना होगा, तब आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? पाइथागोरस फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला देखिए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है? जब आपके पास ट्रायंगल में हमें दो साइड दिया होगा, तीसरा निकालना होगा। या भैया ऐसा हो सकता है बी दिया गया है, एच दिया गया, हमें बोल देगा पी निकालो। या ऐसा हो सकता है भैया हमें एच दिया पी दिया, हमें कहेगा बी निकालो। मतलब हमेशा तीन साइड में से आपको दो साइड मालूम होगा, और मालूम होगा तो हम क्या करेंगे? एक साइड निकाल लेंगे। बट कैसे निकालेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि भैया ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा है ना, तो हमारा एक्सरसाइज 8.1 में ही बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि भैया दो साइड है, तीसरा साइड निकालिए, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला आपको याद है या लिखोगे या छोड़ दो? याद है, याद है भाई। चलिए, तो इसको हम मिटाते हैं और आगे चलते हैं। तो ये क्लियर हो गया, एंगल यहाँ बनता है तो पी वहाँ बनता है, कोई डॉट? चलिए, तो आगे क्या है भाई? ये देखिए, ये हमारा क्या था भैया? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जो मैं रेशियो बता रहा था, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, टोटल कितने फंक्शन होते हैं बताइए? टोटल तीन फंक्शन होते हैं, टोटल कितने फंक्शन होते हैं? छः फंक्शन होते हैं। तो बट छः तो होते हैं, बट आपके तीन मेन फंक्शन होते हैं। कितने मेन फंक्शन होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताता हूँ, उसको फंक्शन बोल दो या रेशियो बोल दो, फंक्शन बोल दो या रेशियो बोल दो। तो ट्रिग्नोमेट्री के तीन मेन रेशियो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला आपको याद होना चाहिए, पहला बताइए साइन एक्स बोल दो या मैं ए बोल रहा हूँ, साइन ए। सेकेंड क्या हो जाएगा? कॉस ए। और तीसरा क्या हो जाएगा बताइए? टैन ए। तो क्लियर हो रहा होगा कि आपका जो
मैन ट्रिगोनोमेट्री का तीन मेन रेशियो आपका ये है, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। इसके अलावा आपके पास तीन और होते हैं, कैसे होते हैं देखिए, फोर्थ आपका होगा साइन का उल्टा कर दो, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस है, क्या होता है बेटा कॉस है, क्या होता है बेटा कॉस सेक बोलो। अब सेकंड कॉस का उल्टा क्या होता है कॉस का सेक, पांचवा आपका सेक हो जाता है सेक रेशियो। अब देखिए टैन का कॉट, वेरी गुड, क्या हो जाएगा कॉट, तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ गया भाजन, कभी मैं क्वेश्चन में देखता हूँ भाई, मैं क्वेश्चन में देखता हूँ कि भैया कहीं साइन एक्स लिखा होता है, कहीं पर भैया साइन थीटा लिखा होता है, मतलब थीटा लिखा हो, मतलब ये बार बार चेंज क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो डियर फ्रेंड बताता चलूँ, ये जो आपका है ना, ये किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एंगल को बताया जाता है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो सीधा सिंपल जो यहाँ पर लिखा जा रहा है, मतलब ये जो साइन है वहीं पर एंगल बना रहा है, कहाँ पर एंगल बना रहा है एक्स पर, मतलब यहाँ पर लिखा है साइन थीटा, तो ये एंगल कहाँ बना रहा है साइन थीटा पर बना रहा है, कहाँ पर बना रहा है थीटा पर। और साइन ए का मतलब यहाँ पर क्या भैया, साइन ए कहाँ पर एंगल बना रहा है ए पर एंगल बना रहा है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पर ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, जब लिखा होगा साइन, क्या लिखा होगा साइन ए, तो हमें पता चला अच्छा साइन ए, साइन का रेशियो मतलब साइन कहाँ पर एंगल बना रहा है, यहाँ पर बना रहा है। और यहाँ पर ऐसा बताने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमें पी और बी पता चलेगा। ऐसा क्यों बता रहा है, इसलिए बता रहा है, मैंने बताया था ना इससे पहले कि भैया आपको इसलिए बता रहा होगा कि पी और बी वहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ पर एंगल बना रहा है तो पी कहाँ जाएगा यहाँ, और एच तो बड़ा वाला होगा, बी यहाँ आ जाएगा। कभी फिर क्वेश्चन में बोल देगा भैया साइन, साइन आपका बी पर एंगल बना रहा है, कहाँ पर बना रहा है बी पर, कहाँ पर बना रहा है बी पर, तो मतलब क्या है कि भैया बी पर एंगल बना रहा है, ये बी और ये बेस है, ठीक है ना, यहाँ एंगल बना रहा है, तो आपका पी कहाँ भाग जाएगा यहाँ आ जाएगा, मतलब ये आपका पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ और क्लियर होगा। तो ये थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया, हमारे टोटल ट्रिग्नोमेट्री के टोटल कितने फंक्शन होते हैं, छः, कितने होते हैं भैया छः, कैसे कैसे होते हैं साइन, दूसरा क्या होता है कॉस, तीसरा चौथा पाँचवा और छठा कॉट, ये आपको याद कर लेना, और तीन याद करना ही पड़ेगा, ये तो हम उल्टा करवा देंगे, ठीक। ये क्या लिखा भैया, ये पी एच ये समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, तो इसको मैं समझाता चलूँ, इसको पहले मिटाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये रेशियो होता है, ये हमें जो पी एच बी एच हमें ट्रायंगल का साइड के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको याद कैसे करना है, पी बी पी पी बी पंडित पंडित प्रसाद, चलो पी बी और क्या आएगा बी, और यहाँ पर क्या आएगा एच एच बी। तो यहाँ पर आपको देखना होगा पहला जो पिलर है ना, हम इस ट्रिग्नोमेट्री के तीन पिलर पर टिके हुए, तो पहला पिलर आपका ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये हो गया। जो पहला पिलर होगा ना किसके इक्वल होगा बताइए जल्दी से, साइन के इक्वल, कैसे होगा साइन के, मतलब पहला पिलर किसके इक्वल होगा साइन के, मतलब हम साइन के बराबर क्या डालेंगे दूसरा पिलर, पहला पिलर को डाल दिया, दूसरा पिलर किसके इक्वल होता है भैया कॉस है, बताइए बी अपॉन एच लिख देंगे, ठीक है ना। और तीसरा हमारा पिलर होता है टैन ए, तो हम क्या लिख देंगे पी अपॉन बी लिख देंगे, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। कि जो हमारा ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ट्रिक से याद जो किए, पहला पिलर साइन के इक्वल, दूसरा कॉस, और तीसरा किसके इक्वल होगा टैन। तो भैया जो बाकी बचा है जो हमारा कॉस सेक कॉट क्या होता है, तो भैया उसके भी हम बताएंगे अभी, उसका भी बताएंगे। तो भैया हमें पता भी है साइन का उल्टा क्या होता है बताइए कॉस है, क्या होता है बाबू कॉस है ए, तो भैया इसको उल्टा किए तो इसको भी उल्टा कर दो, तो उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो एच अपॉन पी लिख दिया, कोई गलत कर दिया नहीं। अब हम यहाँ पर देखिए कॉस को मैं उल्टा कर दूंगा, कॉस का क्या होता है बाबू सेक ए, क्या होगा सेक, तो भैया इसको इससे उल्टा कर दो, तो इसका जो पिलर है ना पिलर को भी उल्टा कर दो, तो क्या आ जाएगा बाबू एच अपॉन बी, एच अपॉन बी आ जाएगा डिफरेंट। तो आप बताइए टैन का उल्टा क्या होगा बाबू कॉट, क्या आएगा कॉट ए, तो भैया भैया बताइए जल्दी से, तो इसका पिलर क्या हो जाएगा बी अपॉन बी के पी पी के कूल आ जाएगा। तो ये जो छीज जो टेबल देख रहे थे ना ये इसके वजह से, तो आपको ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ गए आप किसी के भी कूल बना लोगे। जो लिखा हुआ ना देखो ना यार टैन ए, देखो टैन ए, देखो टैन ए का मतलब पी अपॉन एच, देखो हमने भी तो याद किया टैन का मतलब पी अपॉन बी, अच्छा मैंने गलत बोल दिया पी अपॉन बी, सही है ना, ये वाला और ये वाला चीज़ जो बताऊँ सही है, इसमें तो कुछ दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो उतारोगे, उतार रखा है, सर को दिखा देना,
देख लेना तब, है ना। चलिए इसको हम मिटाते, क्योंकि देखो एक ही चीज को बार बार उतरवाऊंगा। फर्स्ट क्लास में आपको समझ में नहीं आओगे, बट इसमें समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। वही चीज़ बार बार रिपीट करूंगा। जब टेंथ ट्वेल्थ में भी जाओगे ना मैथ लोगे, तो यही चीज़ रिपीट करूंगा मैं, फॉर्मूले बढ़ेंगे बस। हाँ चलिए, अब हमारे पास ये आ गया रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। जो मेरा जो रेशियो था, मैंने बोला था फंक्शन बोल दो या रेशियो, तो हमारे क्वेश्चन में हमेशा रेशियो आता है। तो रेशियो मतलब साइन कॉस का उल्टा, हमने तो ऑलरेडी पढ़ लिया है कि साइन का उल्टा क्या होता है, वन अपन कॉस। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, वन अपन साइन, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, वन अपन सेक। इसका मतलब यही है कि कॉस कहीं दिखेगा तो उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन अपन सेक भी लिख सकते हैं। और कहीं पर सेक दिखेगा तो सेक की जगह मैं वन अपन कॉस भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन भी बताया था, जैसे टैन का उल्टा, टैन का उल्टा में वन अपॉन कॉट है, मतलब टैन कहीं दिखेगा तो उसके जगह हम क्या पटक देंगे, वन अपॉन कॉट लिख देंगे। और कॉट कहीं पर दिखेगा तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, वन अपॉन टैन लिख देंगे। वही चीज़ है रेसिप्रोकल, ठीक है ना। नींद तो नहीं आ रहा है, गर्म लग रहा है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ वो आता ही है। चलिए क्लियर हो गया, आगे चले। चलिए तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके सामने, ये हर जगह देखने को मिलेगा। ये इसका मतलब क्या, साइन यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा हमेशा क्या देगा, वन देगा। इसका रीज़न देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है साइन थीटा एज इट इज रहेगा और कॉसेक थीटा की जगह, देखो मैंने अभी बताया था ना कि क्या बताया था भैया, मैं कहाँ देखिए, हाँ तो जो कौशिक की जगह, कौशिक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कौशिक की जगह वन अपन साइन लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो बस यहाँ पे लिख दे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कौशिक की जगह वन अपन साइन लिख सकता हूँ, देखता हूँ। अब देखो ये आपस में कट गया तो आंसर क्या मिला, वन। तो ये आपस दोनों में इक्वल है इसके वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें साइन थीटा मल्टीप्लाई कौश थीटा क्या देगा, वन देगा। कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, कॉस मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। ये याद करना है, टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट क्या देगा, वन देगा। अब देखो टेन कहीं थीटा लिखा होगा तो उसके जगह हम क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस। टेन कहीं लिखा होगा तो क्या लिखेंगे, अपन कॉस। अब कॉट कहीं लिखा हो तो क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन। बोलिए देखो चीज जितना रिविजन करोगे जितना, देखो एक एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ कि लोग गाली बड़ी जल्दी याद हो जाता है, यस या नो। हमें ना स्कूल में सिखाया जाता है, ना ट्यूशन में सिखाया जाता है, ना हमारे पेरेंट्स सिखाया जाता है, बट हमें गाली याद हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, जो चीज़ सुनते हैं उसको रिपीट करते हैं, हमें समझ में आ जाता है। तो गाली भी आप क्या करते हैं, कुछ बोलता है सुनते हो, रिपीट करते हो और आपको गाली देने आ जाता है। वैसे पढ़ाई ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसको रिपीट करो और बोलो, अपने आप ये भी आ जाएगा। हर चीज़ रिपीट की वजह से होता है। यहाँ पर देखते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री याद होना चाहिए। साइन जीरो का क्या होता है, जीरो। साइन तीस का मैं क्या लिखूंगा, वन अपन टू। साइन का पैंतालीस का वन अपन रूट टू, ठीक है। साइन सिक्सटी का रूट थ्री अपन वन। अब देखो साइन क्या, रूट थ्री अपन टू, ठीक है। साइन नाइन्टी का क्या होगा, वन। अब कॉस जीरो का क्या लिखोगे, वन। इसका उल्टा कर दिया, मैं याद करना आपको, कॉस जीरो का आंसर क्या डालोगे, वन। कॉस तीस का, भैया कॉस तीस का क्या डालोगे, रूट थ्री अपॉन टू। कॉस फोर्टी फाइव का, मतलब पैंतालीस का क्या डालोगे, वन अपॉन रूट टू, ठीक है। कॉस सिक्सटी का क्या डालोगे, वन अपॉन टू। और कॉस नाइन्टी का क्या डालोगे, जीरो। टेन जीरो का जीरो, टेन तीस का वन अपॉन रूट थ्री, टेन पैंतालीस का वन, टेन साठ का रूट थ्री और टेन नब्बे का नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ये चीज़ कर लो, फिर इसके बाद रेसिप्रोकल है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो भैया, समझ में नहीं आया, चलो समझाता हूँ। जैसे कि एग्जाम में लिखा होगा साइन तीस की वैल्यू बताओ, क्या बताओ भैया, साइन तीस की वैल्यू। तो साइन तीस की वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, साइन तीस कहीं लिखा होगा तो उसकी जगह क्या लिख दोगे, वन अपॉन टू लिख दोगे। इसका मतलब ये है, अब कहीं पूछ लेगा क्वेश्चन में, पूछ लेगा भैया टेन टेन सिक्सटी की वैल्यू बताओ, अरे भैया मैं टेबल बनाता चलूँगा क्या, नहीं आपको याद करोगे तो डालोगे। टेन सिक्सटी का वैल्यू होता है रूट थ्री, क्या होता है, रूट थ्री। या ऐसा आ सकता है कि भैया आप बताइए कॉट सपोज मान लो तीस का किसका पूछ लिया, तीस का। तो भैया मेरे को याद है तो मैं क्या डालूँ, वन अपॉन रूट, नहीं सिर्फ रूट थ्री होगा, क्या होगा, रूट थ्री होगा। समझ में आ गया, तो भैया नहीं होगा, देखो ना मैं देखा भी नहीं है। देखो ये कॉट है ना, कॉट का क्या है, रूट थ्री, दिख रही है, मुझे याद है इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये टेबल याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना तो ये टेबल आपको आनी चाहिए, नहीं आ रहा है तो
याद तभी भी करना है भाई। चलिए इसके बाद मैंने कल ट्रिक भी बताया था कि भैया हमें याद नहीं हो रहा तो कैसे लिखें, लिखने का बताया था, याद तो आपको करना ही है, वो तो लिखने का तरीका बताया हूँ। चलिए डिफरेंट, तो अब हम क्या करेंगे भैया, इसको लिखना सिखाते फिर से एक बार कर लेते हैं, कैसा रहेगा? कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। चलिए तो यहाँ पर मैंने क्या करना होगा, पहले जीरो लिखना होगा इसको, या टेबल को लिखने का तरीका बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, टेबल को लिखने का। तो यहाँ जीरो लिखना है, फिर या क्या आएगा बताइए, वन, फिर क्या आएगा टू, फिर क्या आएगा थ्री और फोर, फिर सेकंड टाइप क्या, सबके नीचे क्या क्या डाल दो, फोर फोर क्या डाल दो, डिवाइड में फोर फोर कर दो। उसके बाद क्या करना है, थर्ड काम इसमें क्या करना है, रूट लगा देना सब में, क्या लगा दोगे, रूट, क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे। मैंने लगा दिया, अब बताइए साइन में सॉल्व करूंगा तो जीरो अपॉन रूट इसके साथ आएगा, तो मुझे पता है जीरो सॉल्व करूंगा तो टू आएगा, यस या नो? तो भैया जीरो अपॉन कोई नंबर है तो आपको आंसर में क्या देगा, जीरो, क्या देगा बाबू, जीरो। अब वन अपॉन रूट टू, तो मुझे पता है भैया वन अपॉन रूट फोर हो गया, मतलब देखो ना यार, ये वाला देखो, वन अपॉन रूट फोर तोड़ दिया, मतलब ये इसके साथ रूट इसके साथ चला गया, तो वन का रूट क्या होता है, वन का रूट वन ही होगा, इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलता है, दो, क्योंकि रूट फोर को मैं टू गुना टू लिख सकता हूँ, और रूट का नियम क्या होता है, जो जोड़ी बनता है तो एक वैल्यू बाहर आ जाता है, वही चीज़ मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ गया, वन अपॉन रूट नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ टू आएगा, यहाँ पर करो रूट टू अपॉन, नहीं नहीं सॉरी मैंने गलत कर दिया भैया, जो कट रहा है उसको काटो, कट रहा है ना, आप देखो ना यहाँ पर, सपोज मान लो टू अपॉन फोर, तो ये कट रहा है ना, ये टू से गया, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, वन अपॉन रूट टू, इसको सॉल्व करोगे तो भैया सॉल्व तो हो जाएगा, बट नीचे वाला एज ही फोर फोर कट गया तो क्या आ गया, वन आ गया। अब कॉस के लिए क्या करना है आपको बाबू, क्या करना है, उसको वहाँ का वैल्यू यहाँ डाल देना है, ये हो गया रूट थ्री अपॉन टू हो गया, इसका वन अपॉन रूट टू हो गया, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, ठीक है। टेन का पता करना है तो मुझे पता है जीरो अपॉन, यह इसी को देख लो, क्योंकि हमें पता है ना टेन का साइन अपॉन कॉस लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भैया मुझे पता है कि टेन को हम क्या लिखते हैं, टेन को हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो यहाँ की वैल्यू ये है जीरो। अब सॉल्व करोगे जीरो अपॉन वन क्या आएगा आंसर भैया बताइए, जीरो आएगा, तो टेन जीरो का जीरो। अब इसको सॉल्व करो, वन अपॉन टू और ये है रूट थ्री अपॉन टू, तो इसको हम क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा बताइए जल्दी से, हाँ मतलब ये आपस में कट गया तो हमें क्या मिल गया भैया, वन अपॉन रूट थ्री। अब टेन पैंतालीस, देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आंसर क्या मिला, वन मिला, ये इससे कट गया तो क्या मिला, रूट थ्री, ठीक है। वन अपॉन जीरो तो मतलब क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड, क्लियर हो गया। कॉस है, कॉस में कुछ नहीं करना भैया, जो ये है ना इसका उल्टा कर दो, तो भैया जीरो का मैं उल्टा कर तो आएगा वन अपॉन जीरो, मतलब इसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, नीचे जीरो आ गया तो नॉट डिफाइंड, हाँ इसको उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या होगा, दो अपॉन वन, तो मैं सिर्फ नीचे वन हटा देता हूँ, इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, रूट टू, मतलब रूट अपॉन वन आएगा, तो नीचे वन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या होगा, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, ठीक है, इसका वन का उल्टा कर दो, सीधा करो तो वन ही देगा, ठीक है। अब देखो sec, sec इसका उल्टा, cos का वन का उल्टा कर दो, वन नीचे भैया, वन का उल्टा कर दो तो ऊपर नीचे भैया कुछ नहीं आएगा, वन ही आएगा, एंड इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, बताइए क्या आएगा, टू अपॉन रूट थ्री। अब इसका उल्टा करो भैया, इसी का करोगे ना, रूट रूट टू आएगा, इसका क्या आएगा, टू आएगा, और नॉट, इसका क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, क्या आएगा भैया, नॉट डिफाइंड आएगा बेटा। अब देखो कॉट का, अब इसका उल्टा करो भाई, इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, जीरो अपॉन वन, इसका उल्टा करोगे तो वन अपॉन जीरो, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं दिख रहा चाहिए, दिख रहा है तो वो नॉट डिफाइंड होगा, क्या होगा बाबू, नॉट डिफाइंड। और बताइए इसका उल्टा करो, टेन का उल्टा करो, क्या आएगा, रूट थ्री, ये ऊपर चलाएगा नीचे, और नीचे वन है तो उसको हटा दीजिए। अब बताइए इसका क्या आएगा, वन का उल्टा वन ही आएगा, इसका करोगे तो वन अपॉन रूट थ्री आएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है, वन ऊपर गया, रूट थ्री नीचे आ गया, और देखो नॉट डिफाइंड है, मतलब नॉट वन, तो इक्वल टू, इसको उल्टा करोगे ना तो क्या आएगा, वन अपॉन जी, मतलब वन अपॉन नॉट डिफाइंड, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, जीरो, क्या आएगा, जीरो, क्या आएगा, जीरो। तो बस ये हमारा टेबल, मैंने बता बोल रहा हूँ तो टाइम लग रहा, मुझे सिर्फ कितना टाइम लगेगा, मान लो तीस नहीं, एक मिनट के अंदर हम बना देंगे, कितने मिनट में, एक मिनट के अंदर, मतलब 45 सेकंड में बना दूंगा, इतना स्पीड से बना सकता हूँ इसको, बट आप लोग का भी स्पीड होना चाहिए, तो मैंने बोल रहा था तभी 5 मिनट लग ही गया होगा, यस या नो? चलिए तो इसको समझ गए होंगे आप लोग, नींद आ रहा है,
चलिए, तो हमने क्या किया था भैया, जो अभी हम किए हैं उसको छोड़ते हैं, आप इस पर आते हैं, वो तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल था। उसके बाद सेकंड चीज़ होता है कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल, जो हमारा रेशियो ना साइन का, ये रेशियो है, फंक्शन बोलते हैं, मैं फंक्शन बोलते हैं वैसे रेशियो बोलते हैं। अब यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जब दो एंगल को प्लस करने पर हमेशा किसके बराबर आता है, 90 के बराबर आता है, तो वैसा एंगल को हम क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपके पास ऐसा होगा कि भैया साइन साइन 90 माइनस 10 होगा, क्या होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, साइन का उल्टा क्या करोगे, साइन को चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, कॉस, क्या जाएगा, कॉस, और जो ये एंगल है ना वो एंगल यहाँ पर चिपक जाएगा, वो एंगल चिपक जाएगा, तो क्लियर होगा, साइन का मैं क्या करता हूँ, कॉस, और जो एंगल है ना वो चिपक रहा है, ठीक है, कॉस का हम क्या करते हैं, यहाँ उल्टा नहीं हो रहा है, ये ऐसा कब होता है, जब आपके पास 90 माइनस कुछ भी हो, 90 माइनस कुछ हो तो ऐसा चेंज होता है, वो उल्टा नहीं करना, ये होता है साइन 90 माइनस कुछ थीटा हो रहा हो तो क्या होगा, साइन का क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस में से कोई 90 माइनस कोई एंगल हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस चेंज कर देगा, क्या बन जाएगा, साइन, क्या बन जाएगा, साइन, और जो एंगल है वो एंगल आ जाएगा, जैसे यहाँ पर मैं कॉस का ही लेता हूँ, क्या आ जाए, कॉस 90, यहाँ पर क्या आ जाए, 45, क्या आ गया, 45, तो भैया इसका सॉल्व करने पर क्या आएगा बताइए, कॉस 90 माइनस 40, तो कॉस का किस में चेंज हो जाएगा, साइन, किस में चेंज हो जाएगा, साइन, और एंगल कौन सा होगा भैया, 45, क्या आ गया, और साइन 45 की वैल्यू हमें पता है, हम यहाँ पर डाल देंगे, नहीं पता, साइन 45 की वैल्यू क्या होता है बताइए, 1/√2, 1/√2, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, 1/√2, जब आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऐसा करना पड़ेगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि भैया कॉस 90 माइनस थीटा तो कॉस साइन में बन जाएगा, थीटा का थीटा चिपक जाएगा, टैन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और ये एंगल का एंगल चिपक जाएगा, कॉसेक का, कॉसेक 90 माइनस, कॉसेक में कोई एंगल होगा माइनस 90 में से माइनस 19 हो रहा होगा, तो कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, सेक 90 माइनस तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉट 90 माइनस तो कॉट किस में हो जाएगा, टैन में, क्लियर हो गया, जल्दी से उतारो ये चीज, कल नहीं उतारे थे, जल्दी से उतारो, चलो। तो भैया अब हम देखने वाले हैं भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो हमारे यहाँ कौन सा फार्मूला, कॉस स्क्वायर, क्या बोल दिया मैंने, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है तो क्या आंसर देगा, 1 होगा, तो कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या है, तो आपको आंसर क्या लिख देना है, 1 लगा देना, ठीक है ना। अब फिर एक और क्वेश्चन आ गया, 1 + tan² क्या बोलते हैं, 1 + tan² तो किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर, कभी क्वेश्चन में आ जाएगा sec स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहना कि भैया 1 + tan² हम लिख सकते हैं, या कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा कि 1 + tan² होगा तो पता क्या लिखिएगा, तो कहूँगा भैया मैं sec स्क्वायर लिख दूंगा, ये इसलिए फॉर्मूला यूज़ होगा। फिर कभी हो सकता है कि cot स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हमें क्या देगा बताइए, cosec स्क्वायर, कभी ऐसा होगा कि cot स्क्वायर प्लस 1 है तो क्या लिखोगे तुम, तो आप cos स्क्वायर लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, cosec स्क्वायर, या cos स्क्वायर कहीं पर लिखा होगा तो उसको मैं क्या बना सकता हूँ, cot स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ, क्लियर हो गया, ये चीज़ लिख लिए। चलिए तो आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चन करने वाले, क्या करने वाले भाई, क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन को देखते आपको डरना है और बहुत ज़्यादा डरना है और यहाँ से कूद जाना, ऐसा गलती मत करना बेटा। चलिए मैं मजाक कर रहा था, एक्सरसाइज 8.1 है, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भैया, इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समझ में आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी, मतलब जो कह रहा है कि जो कोण 90 का बन रहा होगा कहाँ पर बन रहा होगा, बी पर, किस पर बन रहा होगा, बी पर, फिर कह रहा है क्वेश्चन बंद कर ले, AB कह रहा है कि जो AB साइड है उसका मैं इतना दे दिया हूँ, BC साइड का इतना दे दिया हूँ, डिटरमाइन आपको साइन ए निकालना है और क्या निकालना है, कॉस ए, ऐसा लग रहा है कि भैया ऑलरेडी ये कुछ समझा रखे हैं, बिल्कुल समझा रखे होंगे और वही चीज़ है जो आप सोच रहे हो, वही चीज़ है। तो पहले क्या बोल रहा है, ट्रायंगल भैया, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल कहाँ बनाऊँ, यहीं बना लूँ क्या, चलो यहाँ बना लेता हूँ ट्रायंगल, देख सकते हो प्यारा सा, नाम क्या देना भैया, बी दे रहा है कहाँ पर, जहाँ नंबर यहीं पर ले लूँ मैं, मैं यहाँ ले लेता हूँ बी के बाद मैं ले लिया सी, यहाँ पर क्या ले लिया, ए ले लिया, क्या ले लिया, ए ले लिया, कोई दिक्कत, मैंने नामकरण कर दिया। अब बोला गया कि भैया ए बी जो साइड है ना, ए और बी कितना वैल्यू होगा भैया, 24 सेंटीमीटर, और जो बी सी साइड है मतलब बी और सी यही साइड है तो कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, और बोला गया है डिटरमाइन साइन, और मेरे यार पहला काम तो यही है कि सारा ट्रायंगल का तीनों साइड ही नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे बताइए जल्दी से, कौन सा, बिल्कुल सही, कि जब मैंने अभी बताया था ना कि जब आपके पास तीन दो साइड दिया था तीसरा साइड निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, पैथागोरस फॉर्मूला। तो अब चलते हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं इसको, तो फॉर्मूला देख सकते हैं, बाई
पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। ये इतना आता ही होगा आप लोग को, मार्कर नहीं चल रहा यार। चलिए तो देख सकते हैं पहला वाला एच हो गया। ठीक है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, मानो मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ एंगल बन रहा है, तो पी कहाँ जाएगा यहाँ, यहाँ बी कहाँ हो जाएगा यहाँ। अब सोचने की दिक्कत नहीं है, एंगल यहाँ बन रहा है, पी मेरा यहाँ आ गया, एच ये रहा ये। तो देखिए एच हमें पता है क्या? नहीं। तो एच का साइड का क्या नाम है भैया? ए सी, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। प्लस पी की वैल्यू क्या है भाई? पी की वैल्यू सेवन, तो सेवन के ऊपर क्या लगा दो? स्क्वायर। प्लस बी की वैल्यू क्या है भाई? उसके ऊपर क्या लगा दो? ठीक है, क्योंकि बी का वैल्यू है बट स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। अब देखिए ए सी एज इट इज रहेगा, सात का स्क्वायर क्या होता है और 24 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी से बताइए? 576। मैं इसलिए बोला था, देखो मैं इसलिए बोला था बेटा स्क्वायर याद करने के लिए, यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम तो इतने नलायक हो, दसवीं में हो, तुमसे छोटे छोटे तीसरी चौथी वाले को याद है, तो शर्म करो और कूद जाओ यहाँ से। मजाक करो, कूदना मत, घर से कूदना बेटा, क्योंकि यहाँ से कूदोगे तो हाँ केस हो जाएगा कि क्या बच्चे को सिखा रहा है। अब बताइए 576 को मैं प्लस करूँगा तो क्या आएगा बताइए जल्दी से भाई। तुम प्लस करते रहोगे, मैं कर दूंगा, तो आपके पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये चीज़ जो स्क्वायर पावर है ना भैया, क्या है भैया? पावर, मतलब दो का पावर, ये स्क्वायर दूसरे देश में जाएगा तो क्या बन जाएगा? जल्दी बजाइए, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू? रूट का रूप ले लेता, किसका रूप ले लेता है? इस देश का स्क्वायर दूसरे देश में जाएगा तो क्या कर, किस चीज़ का रूप ले लेगा? रूट का ले लेगा, बिल्कुल सही। तो देखो हम अभी लड़ाई क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन से, हम एच निकालने के लिए हम लड़ रहे हैं अभी क्वेश्चन से। अभी हथियार हमारा क्या है निकालने के लिए? एच निकालने के लिए हथियार कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम? पाइथागोरस फॉर्मूला लगा रहे, चाकू यूज़ कर रहे हैं और हम ये साइड निकाल लें, इस माध्यम से निकाल लें। अब बताइए मैं 625 को क्या, बताइए मैं 25 × 25 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। और देखिए AC जो रूट का नियम क्या बोलता है, जब रूट के अंदर आपस में दो वैल्यू सेम गुना हो रहा था, उसमें से एक वैल्यू बाहर निकल जाएगा, तो हम यहाँ पर AC निकाल नहीं सकते, हमारे पास क्या आ जाएगा? सिर्फ 25। कितना आ जाएगा बाबू? 25। और AC हमारा क्या है? देखो AC हमारा क्या है? H है, तो हमारा जो वैल्यू आया तो किसका आ गया? H का। तो मैं क्या डाल सकता हूँ यहाँ? डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता हूँ? जब आपके पास ट्रायंगल का तीनों साइड मिल जाएगा तो आपको थोड़ा सा खुश हो जाना है। क्या हो जाना है? खुश, क्योंकि हमारा आधा से ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है। अब हमें क्या करना भैया? मुझे साइन ए की वैल्यू निकालना है। किसकी निकालना भैया? साइन ए। तो बिल्कुल सही है भैया, साइन ए की वैल्यू निकालना है। मैं निकाल तो लूँगा, क्या निकालूँ? तो साइन ए निकालना है तो आपको क्या याद होना चाहिए? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भोले। चलो करवाते हैं यहाँ पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो पहला जो पिलर है किसके इक्वल होता है बेटा? तो भैया साइन यहाँ दिख रहा है, इसके इक्वल क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच। तो कह रहा है कि तुम्हें साइन एंगल ए पर देखना है, जहाँ ए पर देखना पी की वैल्यू क्या होगा? साइन ए पर एंगल बना रहा है तो पी आपका कहाँ होगा? एच कहाँ होगा वो चेक करना है। वो ये कौन है, मना करिए उसे। चलिए तो यहाँ पर साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच, यहाँ पर पी का मतलब क्या है? एच का मतलब कह रहा है कि साइन ए पर एंगल बना रहा है तो पी की वैल्यू क्या होगा? ए पर एंगल बना रहा है तो पी की वैल्यू क्या होगा? बस भाई देख लो आंसर, 7। और कह रहा है साइन ए पर एंगल बना रहा है तो एच की वैल्यू क्या होगा? 25। डाल दो तो हमारा आंसर देखो जिंदा निकल गया भैया, साइन ए ऐसे लिखेंगे और बराबर का साइन लगाएंगे और 7/25। टक टक कौन कर रहा है जिंदगी से? टक टक कौन कर रहा है बेटा? इतना समझाने के बावजूद तुम नहीं सुध रहे तो क्या पढ़ोगे ज़िंदगी में बताओ? मैंने बोल दिया भैया टक टक नहीं करना तो तुम टक 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 कर रहे हो, ये समझ नहीं सकते तो ज़िंदगी में क्या करने वाले? बस गलियों में तुम नाचोगे। चलिए बेटा मजाक बहुत हो गया, बुरा लग रहा है तो बूढ़ा मानो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हंसी आ रही? मैं रहता हूँ। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे आंसर देखो जितना निकला कि नहीं निकला। अब हमें कह रहा भैया कॉस ए की वैल्यू निकालो, तो बहुत इजी, तो हम लिखेंगे कॉस ए किसके इक्वल होता है? पिलर याद करो, पिलर क्या होता है बाबू? बी अपॉन एच। आप बताओ कि भैया ट्रिग्नोमेट्री खतरनाक है? खतरनाक है क्या? कुछ नहीं है बेटा, पढ़ाने का नियम होना चाहिए। तुम लोग
दिमाग लगाओगे तो इजी है, और तुम इसको ज़्यादा मुश्किल मानोगे तो ये मुश्किल है। पढ़ने वाले के लिए इजी है, नहीं पढ़ने वाला मुश्किल है, हर चीज़ मुश्किल है। तो यहाँ पर बोला कि कॉस ए पर एंगल बना रहे तो बी की वैल्यू क्या होगा, ए पर एंगल बना रहे बी की वैल्यू क्या होगा बताइए, 24। तो आपको लिख दे रहा है यहाँ पर 24। अब कह रहा है एंगल ए पर बना रहा है तो एच की वैल्यू क्या होगा बताइए, 25। अब बताइए इसमें क्या क्या हमें सर लड़ना था, क्या हमें सर से पंगा करेंगे क्या, इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यू देखना और डाल देना है। तो देखिए हमारा कॉस ए की वैल्यू जिंदा देखिए क्या आया, 24/25। तो हमें कितने आंसर निकालना था, हमें साइन ए और कॉस ए निकालना था डियर फ्रेंड। और हमेशा जब निकाल ले हो ना उस आंसर को हमेशा ब्रैकेट में डालना, इससे क्या होगा टीचर इतना उतना फोकस नहीं करते, वो ब्रैकेट पर फोकस करते, हाईलाइट पर फोकस करते। और अभी से आदत डालिए कि जो आंसर बनाते हैं ना ब्रैकेट में, और हमेशा देखो कि भैया जो करते होंगे ब्रैकेट लगा, देखो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाए हो, जो आपका पूरा आंसर आया उसमें ब्रैकेट लगा, मैं हर जगह नहीं लगा रहा, जहाँ जो पूछ रहा उसी जो आंसर मांग रहा वहीं पर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, देखो इस पर लगा रहा हूँ, इस पर लगा रहा हूँ। क्लियर हो गया, जल्दी से उतारो, फिर इसके बाद देखते हैं, टाइम है अभी, है टाइम, जल्दी से एक क्वेश्चन और करेंगे। आपकी मर्जी भाई, दिखा देते हैं। चलो एक चीज़ और बता दो, साइन सी और कॉस सी का मतलब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भैया हमारा साइन सी की वैल्यू बताए। तो भैया साइन सी पहले पिलर के इक्वल करो, साइन किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच के, किसके इक्वल होता है, पियर। कह रहा है साइन सी का मतलब सी पर एंगल बन रहा है, सी पर एंगल बन रहा है तो हमारा पी की वैल्यू क्या होगा, एच की वैल्यू। तो अभी हम बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पर एंगल बन रहा है, सी पर एंगल बन रहा है, तो सी पर एंगल बन रहा है तो पी की वैल्यू क्या हो गया, अब पी ऐसे लिख दो, ठीक है ना। और यहाँ पर ये मैं मिटा देता हूँ इस एंगल वाला, ठीक है ये मिटा देता हूँ। तो यहाँ हो गया सी पर एंगल बन रहा, तो क्या होगा, पी यहाँ हो गया, और बी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। बस ये देखना है, अब डालना है वैल्यू। तो साइन सी का वैल्यू, साइन सी पर एंगल बना रहा तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, 24। एच की वैल्यू 25। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कॉस सी की वैल्यू बताओ, बहुत ईजी भैया, कॉस का पिलर बताओ, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच ऐसे इक्वल करना है। अब कॉस सी पर, सी पर एंगल बना रहे तो बी की वैल्यू क्या होगा बताइए, बी की वैल्यू क्या है, 7, और एच की वैल्यू क्या है, 25। ये आपका आंसर आ गया, देखो जिंदा आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करना, वैसे कल कराऊंगा।